अहम खबर इस वक्त आ रही है। पहले आपको बता दें कि पुल हादसे में बही दो बसों में से एक बस का मलबा मिल गया है। आपको याद होगा रायगढ़ में एक पुल का हिस्सा जो है ढह गया था, जिसमें दो बसें और कुछ गाड़ियां बह गई थी। लगातार उसकी तलाश की जा रही थी, दो में से एक बस का मलबा मिल गया है। 8 दिन की तलाश के बाद हादसे में बही बस का ये मलबा मिला है। आपको बता दें लगातार तलाशी की जा रही थी, करीब 44 लोगों के इसमें हताहत होने की खबर थी, जिसमें से कुछ का शव मिला भी था। प्रणव पोलेकर हमारे साथ जुड़े हैं। प्रणव, क्या जानकारी है? नंदिता, जिस 8 दिन हो चुके हैं इस घटना हादसे को लेकर, 8 दिन के बाद ये बड़ी सफलता मिली है नेवी की टीम को। नेवी के टीम में सर्च ऑपरेशन जो है बस के जो पार्ट्स कुछ मिले थे उसके लिए तलाश की जा रही थी। चले तो प्रणव ये बता रहे हैं कि नेवी ने सर्च ऑपरेशन किया था और लगातार कोशिश की जा रही थी कि मलबा ढूंढा जा सके और लोगों के शवों की भी तलाश की जा रही थी। ऐसे में एक बस का मलबा मिला है 8 दिन की तलाश के बाद। आपको बता दें कि जो नदी नीचे बह रही है ये आगे जाके समुद्र में मिल जाती है, तो ये खतरा लगातार बना हुआ था कि तेज बहाव में कहीं ये मलबा बहुत आगे ना बह गया हो।